23 नवंबर साल 1983 को भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की शुरुआत राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता से शुरू हुई और इसका समापन गोवा में हुआ। यह राष्ट्रमंडल देशों का 7वां शिखर सम्मेलन था। यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चला। इस सम्मेलन में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, अमेरिका द्वारा ग्रेनाडा पर हमला करना, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा की सेना द्वारा नामीबिया पर कब्जा करना और अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 साल में एक बार होता है। 23 नवंबर साल 1904 को अमेरिका के सेंट लुइस में 3रे ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। यह पहली बार था जब ओलंपिक खेल यूरोप के बाहर आयोजित किए गए। जापान और रूस के बीच हो रहे युद्ध की वजह से पूरे यूरोप में तनाव था। इसी वजह से सेंट लुइस जाने की कठिनाई के कारण दुनिया के शीर्ष एथलीटों में से अधिकांश खिलाड़ियों को इस ओलंपिक से दूर रहना पड़ा। खेलों के इस महाकुंभ में शिरकत करने वाले 650 एथलीटों में से लगभग 80% प्रतिभागी संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। 23 नवंबर साल 1937 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है।